पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर दो दल प्रदर्शन कर रहे हैं, एक शंभू और दूसरा खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तनाव भरे इस माहौल के बीच खबर आ रही है कि खनौरी में एक युवा किसान की गोली लगने से मौत हो गई है, लेकिन पुलिस गोली लगने की बात को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मारे गए युवक की पहचान शुभकरण सिंह के रूप में हुई है। 21 वर्षीय युवक भटिंडा यानी कि पंजाब के बलौन गांव का रहने वाला था। उसके परिवार की बात की जाए तो उसमें केवल दो बहनें और एक दादी है। माँ की 15 साल पहले ही मौत हो गई थी। शुभकरण सिंह ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि वो अपने घर वालों का गुजारा बसेरा कर सके। घर में कमाने वाला अकेला लड़का होने के कारण उसने अपने चाचा के साथ अपनी 2 एकड़ की जमीन में खेती करने लगा, साथ ही लीज पर 15 एकड़ की जमीन भी उठा ली। शुभकरण सिंह के चाचा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि शुभ घर में सारे काम संभालने के साथ साथ किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया करता था। चाचा ने बताया कि उनकी शुभ से 19 फरवरी को बात हुई थी, उन्होंने उसे लौट आने को कहा, लेकिन उसने बोला कि वो फरवरी में दिल्ली तक पहुंचकर वापस आएगा। जहां शुभकरण सिंह की मौत की पुष्टि किसान संगठन और पंजाब सरकार ने कर दी है, लेकिन हरियाणा पुलिस ने किसान आंदोलन में किसी भी किसान के मारे जाने की खबर को अफवाह करार कर दिया है। शुभकरण सिंह की मौत की खबर के बाद से ही किसानों ने रोड जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा साइड पर भीषण जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान संगठन ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच को रोक दिया है और शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति तय करेंगे। अब लोगों को किसान युवा की हुई इस मौत को लेकर क्या लगता है? किसान 2 दिन के लिए स्थगित हुई इस कूच को लेकर आप लोगों का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।